सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे रहन और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। मौजूद हैं आज हम, ये अपना केसली का इलाका है, बड़ा एक महोत्सव थापा ग्राम कहलाता है। एक ऐसा महोत्सव जिसने इतिहास रचा इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आयोजक रहे संदीप जैन बब्बू सिनेमा। शख्सियत है बड़ी, पार्टी तमाम यानी देखा, एक सच्चे सपाई हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। लेकिन आज जिस प्रकार से कार्यक्रम किया है और जिस प्रकार से जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ये दर्शाता है कि देवरी में संदीप जैन बबलू सिनेमा की क्या अहमियत है। हमारे बीच मुखातिब होंगे संदीप जैन बबलू सिनेमा। भाई साहब, बड़ा आयोजन, अच्छा आयोजन, क्या कहना चाहेंगे अब उसके लिए? हमारी जो टीम है और यहाँ के आदिवासी सबके सहयोग से और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा आयोजन हुआ और हमें लगता है आयोजन देवरी विधानसभा का सबसे बड़ा आयोजन होके रहेगा। देखा भाई साहब, जैसे यानी अभी तक जितने भी आयोजन हुए कई अपनी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो आप लोग आपको पसंद करें, कारण क्या? अब मैं तो निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करता हूँ और ईश्वर ने मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी दिया है इन लोग की सेवा के लिए दिया है। मैं तो घर पे बैठा रहता हूँ, पैसा अपने आप आता है और मैं इनके साथ खर्च करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और इस बार को अगर मुझसे पैसा खर्च करवाना है तो इस बार देगा। क्या देखते हैं भाई साहब, आयोजन भी यानी पहले भी आयोजन हुई, ये लेकिन आज इतिहास के पन्नों में दर्ज, ये हमने यहाँ की जनता बोल रही है, जनता के लिए क्या कहना चाहते? अब जनता के लिए कहना चाहते भैया, हम रहें चाहे न रहें, हमारे बाद भी जो कार्यक्रम आप लोगों को करने हैं और जो मैं आपको खापा को नाम हमेशा मध्य प्रदेश में एक नंबर पे पहुंच जाए, हम तो जब अच्छे लाग हमारे लेंगे। महोत्सव भी हुए लेकिन मड़ई महोत्सव आपने इस बार काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गए। अब वो मैं तो भैया आपको जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आपको एक उपाधि दे के गए, क्या है आप बता दें? क्या भामा साहब, वो क्या है कि उस समय पर भामा साहब बहुत एक बड़े दानवीर थे, मैं उन जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन वो दे गए हैं तो देवरी के हिसाब से ठीक है। हम बहुत करते हैं जनता के लिए और इस बार जब तक हमें कुछ देता रहेगा हम करते ही रहेंगे, हम बंद नहीं करेंगे कभी सेवा भाव। आपका यानी भाई साहब सेवा भाव ने देखा, यहाँ के लोग भी बताते हैं, चाहे आपने समाज सेवा की हो चाहे पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी से आप जमीन से जुड़े नेता रहे, जो सम्मान पार्टी को देना चाहिए था वो जनता बोलती कि आपको मिला नहीं। अब देखो, आप जानते हैं कि पार्टी में बहुत सारे नेता हैं और कोई बड़ा नेता से कोई जब जुड़ा रहता है दूसरे नेता उससे नाराज हो जाता है, इस कारण हो सकता है, लेकिन मैं तो पार्टी का हमेशा काम किया, आज तक मैंने पार्टी में रह के उसके साथ गद्दारी नहीं की, मैं हमेशा पार्टी का काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। ऐसा आगामी साल में यानी अपनी आ रही है उसमें विधानसभा के चुनाव में क्या देखते हैं यानी लोग? अब वो तो पार्टी का निर्णय रहता है और जनता जो कुछ कहेगी फिर अपन निर्णय करेंगे। पार्टी भाई साहब लगातार यानी दर बदर तोड़िंग पे तोड़िंग कर रही है, फिर भी तो विधानसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव होने वाला है। अब इसमें देखो जी, कार्यक्रम को आप विधानसभा चुनाव से ना लें, क्योंकि हम यहाँ 5 साल से लगातार आ रहे हैं और चुनाव होने के बाद 23 के बाद भी आते रहेंगे, चुनाव से कार्यक्रम का लेना देना नहीं है। कार्यक्रम के बीच में नारे लग रहे थे, अंगना विधायक कैसा हो, बबलू भैया जैसा हो, अब तो जनता ने लगाए, अब तो जनता का वो है, जनता जैसा चाहे कह सकती है। लक्ष्य है प्रभु, हम अनपुरा पुष्ट पंचायत मोकला ग्राम ने अंगवा, हमारे यहाँ 3 भाग हैं, 10, 11 और 12। लाइट की हमें जरूरी है तो भाई साहब जनता को आप चुनिए। अब देखो, इन्हें हमारा ने आज पहली बार बताई, हमारे जी आए भी नहीं, देवरी ऑफिस में आओ आप, आपको लाइट के लाने हम संघर्ष करें कि लाइट करवा के दे। तो हमारी बातचीत हुई देवरी के संदीप जैन बबलू सिनेमा से, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्यक्रम को विधानसभा चुनाव को देखते हुए ना जोड़े, हमारी को जो पार्टी निर्णय लेगी उस पर मैं काम करूंगा और हमेशा करता हूँ। हमारे पीछे थे योगेश विश्वकर्मा केसली से राहुल सिंह हिलगन, मैं हूँ लक्ष्मी पांडे रहना, सागर एक्सप्रेस न्यूज केसली।